हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में। क्या आप जानते हैं मूंगफली हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है? मूंगफली विंटर्स का सबसे अच्छा टाइम पास माना जाता है। सर्दियों में फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ या फिर ऑफिस में स्टाफ के साथ बैठकर इसको खाने का अलग ही अपना मजा है। इसे सस्ता बादाम भी कहा जाता है। इसी बात से पता चलता है कि इसमें वो सारे गुण पाए जाते हैं जो बादाम में पाए जाते हैं, लेकिन सस्ती कीमत पर। मूंगफली में अपना ही एक मिठास होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर लोग तो इसे टेस्ट के लिए खाते हैं, पर यकीन मानो, अगर आप इसके फायदे जानोगे तो हैरान रह जाओगे। मूंगफली सेहत का खजाना है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप दूध नहीं पी पाते हैं तो आप इसकी जगह मूंगफली खाएं। इसे खाने से ताकत मिलती है और ये विटामिन ई और विटामिन B6 से भरपूर होता है। मूंगफली खाने के फायदे। मूंगफली में मौजूद तत्व पेट से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स में राहत देने का काम करता है। रोजाना इसे खाने से कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। इससे पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। गर्भवती महिलाओं के लिए मूंगफली बहुत फायदेमंद है। इससे बच्चे का विकास अच्छा होता है। ओमेगा 6 से भरपूर मूंगफली से स्किन भी सॉफ्ट एंड शाइनी रहती है। आप मूंगफली का पेस्ट बनाकर फेस पर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। डेली डाइट में शामिल करने से खून की कमी भी नहीं होती और दिल से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा कम होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को पनने से भी रोकते हैं, जिससे आपकी स्किन हमेशा जवान और खिली खिली दिखती है। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है, इसलिए इसको खाने से हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। आप एक दिन में मुट्ठी भर मूंगफली आराम से खा सकते हैं। मूंगफली को सुबह नाश्ते में या दिन में खाने से अच्छा फायदा देती है। रात को खाना जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आप इसका मक्खन खाते हैं तो आप दिन में 1.5 चम्मच ले सकते हैं। सही मात्रा में मूंगफली का सेवन करने से वेट कम करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि मूंगफली भूख को शांत करती है। जब भी आपको भूख लगे तो आप थोड़ी सी मूंगफली खा लें। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25% से भी ज्यादा होती है। 250 ग्राम मूंगफली में इतना प्रोटीन होता है जितना कि 250 ग्राम नॉनवेज में भी नहीं होता। एक अंडा और दूध मिलाकर दोनों में जितना प्रोटीन होता है उससे कहीं ज्यादा मूंगफली में होता है। अगर डेली डाइट में इसे शामिल किया जाए तो बॉडी में घी, बादाम और दूध की पूर्ति होती रहती है। मूंगफली का तासीर गर्म होने की वजह से इसे गर्मियों में लोग नहीं खाते, इसलिए गर्मियों में मूंगफली को भिगोकर खाना चाहिए। इसे भिगोकर खाने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है, इससे आप डायबिटीज जैसी बीमारी से भी बचे रहते हैं। रोज रात को 50 ग्राम मूंगफली भिगोकर रख दें, फिर सुबह इसे खा लें। इससे आपको डायबिटीज में राहत मिलेगी। मूंगफली में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम आदि पाए जाते हैं। इसे भिगोकर खाने से गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर होती है। विंटर्स में भीगी हुई मूंगफली गुड़ के साथ खाने से जोड़ों और कमर दर्द में आराम मिलता है। ये बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति करने का बहुत अच्छा काम करती है। भीगी हुई मूंगफली खाने से आंखों की रोशनी और याददाश्त भी तेज होती है। इससे बॉडी एक्टिव रहती है, शायद इसीलिए इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। मूंगफली थोड़ा ऑयली होने के कारण गीली खांसी और भूख न लगने की प्रॉब्लम को दूर करने में भी सहायक है। रोजाना इसके 20 दाने खाने से कैंसर से भी बचाव होता है। जिम करने वाले लड़कों के लिए भीगी हुई मूंगफली बहुत फायदेमंद है। जिम करने वालों को प्रोटीन युक्त चीजें चाहिए होती हैं और मूंगफली में प्रोटीन भरपूर होता है। तो दोस्तों, आज से ही मूंगफली को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए और सभी अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।